यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल एमलेस बिट्स। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक छोटी जर्नी करने वाले हैं, एक डेस्टिनेशन पे जाने वाले हैं। डेस्टिनेशन का नाम है खान मार्केट। आप खान मार्केट क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मुझे अपने कज़न से मिलना है, जिससे मैं पोस्ट होली नहीं मिल पाया हूँ बिकॉज ऑफ कोविड। सो फटाफट से रेडी होते हैं और मिलता हूँ आपको रेडी होकर। बाय। तो गाइस, मैं नहाकर रेडी हो चुका हूँ, बट अभी सडनली बाहर बारिश शुरू हो चुकी है, तो हमें बारिश रुकने का इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत तेज बारिश हो रही है बाहर, तो अभी तो निकलना इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। तो वेट करेंगे हम बारिश के रुकने का, उसके बाद हमें कैब करनी है और कैब कर उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। रास्ते में बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे व्यूज़ दिखाऊंगा आपको। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। तो गाइस, बारिश है स्लो डाउन अ लिटिल बिट, बट अभी भी काफ़ी तेज़ हो रही है बारिश। आप क्लाउड्स भी सुन सकते हैं। ऑसम हो चुका है मौसम, बट हम तभी जा पाएंगे जब ये बारिश थोड़ी स्लो डाउन हो जाए, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरे एयरपॉड्स और मेरा फ़ोन जो है वो भीग जाए इस बारिश में, और अम्ब्रेला कैरी करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। सो वी आर स्टिल वेटिंग। ये तीन चीज़ें रहने वाली हैं मोस्ट एसेंशियल आइटम्स फॉर आर टुडेज़ जर्नी। फर्स्ट इज हमारा मास्क, एंड द सेकेंड आइटम इज ऑब्वियसली द सैनिटाइजर, क्योंकि बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक कंडीशन। थर्ड इज द एयरपॉड्स, रास्ते में म्यूजिक सुनने के लिए। सो हियर वी गो। तो गाइस, फाइनली हम कैब में बैठ चुके हैं और निकल चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए। होली के बाद से मैं ट्रैवल नहीं किया है, मैंने बहुत टाइम पर ट्रैवल कर रहा हूँ कैब में। इनफैक्ट जिस जगह से अभी हम गुजर रहे हैं वो एम ब्लॉक का रोड है, एंड एम ब्लॉक भी बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ। सो आपको बताइए कि अभी पेंडेमिक सिचुएशन है, इसलिए लोग घर से कम निकलते हैं बाहर। हालांकि दिल्ली में केसेस काफ़ी कम हो गए हैं, दिल्ली इज़ ऑन अ डिक्लाइनिंग स्टेट। धीरे धीरे अनलॉकिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया है। आई होप कि ये वाला जो लॉकडाउन हो वो लास्ट हो, बट देन इफ इट एक्सटेंड देन वी वुड नॉट बी रियली एबल टू हेल्प इट, बट अभी सिचुएशन ऐसी ही है। खान मार्केट पहुँचने में हमें लगेंगे 35 to 40 minutes, डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक, एंड आई एम होपिंग कि हमें ट्रैफिक ना मिले। मैं आपको कुछ बाहर के व्यूज़ दिखा देता हूँ। बारिश अभी भी दोबारा शुरू हो चुकी है आई थिंक, या फिर ये एक ट्री से गिर रहा हुआ पानी है, वही है। सो बारिश एक्चुअली बहुत रुक चुकी है यहाँ पर। वेस्ट दिल्ली में तो आई डोंट थिंक अब बारिश हो रही है। साउथ दिल्ली का आई एम नॉट श्योर, क्योंकि हम जा रहे हैं साउथ दिल्ली। खान मार्केट साउथ दिल्ली में पड़ता है, एंड वहाँ का क्या टेम्परेचर है ये तो वहीं पहुँच कर पता लगेगा, बट देन इट्स ऑब्वियसली बेटर देन वेस्ट दिल्ली, क्योंकि वेस्ट दिल्ली में ग्रीनरी इतनी नहीं है एक्सेप्ट फॉर द्वारका। बट वेस्ट दिल्ली में अगर आप जनकपुरी की बात करें, विकासपुरी की बात करें, तो इतनी ग्रीनरी नहीं है इन कंपैरिजन विद खान मार्केट, जहाँ पर लोधी गार्डन है, भंडारा रोड है, गोल्फ लिंक्स हैं। इन सब एरियाज़ में काफ़ी ग्रीनरी रहती है, तो समर्स में वहाँ पर बहुत कूल फील होता है, और जो विंटर्स होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा चिलिंग फील होता है। तो मैं आपको कुछ बाहर के सीन्स दिखाता हूँ अभी। तो गाइस, ऐसा है कुछ बाहर का नज़ारा अभी।
गाइस हम पहुंच चुके हैं दिल्ली कैंट, और दिल्ली कैंट में एंट्री कर चुके हैं। वी आर एट द फ्लाईओवर, और दिल्ली कैंट पहुँच कर बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं ऑब्वियसली, क्योंकि इट्स दी होम ग्राउंड ऑफ आर आर्मी। सो यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ के जो घर बने हुए हैं, दीज आर वेरी ओल्ड हाउसेस जिसपे हमारे आर्मी के लोग रहते हैं। एंड ट्रैफिक उस रोड के उस साइड दिख रहा है मुझे, बट इस साइड फिलहाल कोई ट्रैफिक नहीं है। एंड आई स्टिल रिमेंबर के खान मार्केट जहाँ हम जा रहे हैं वो मेरी दादी का घर है एक्चुअली। एंड हम अपने चाइल्डहुड से ही इसी रोड से ट्रैवल करते हैं। व्हेन वी गो टू खान मार्केट वी क्रॉस दिल्ली कैंट एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। सो दैट्स इट, अभी रेड लाइट पर रुके हैं हम, एंड पहुंचने वाले हैं खान मार्केट बहुत जल्दी। यहाँ पर भी काफ़ी हैवी डार्क क्लाउड्स हैं, यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि रोड्स वेट हैं, तो बारिश हुई है यहाँ पर, एंड आई थिंक देयर इज मोर टू कम। गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं खान मार्केट, और कैब से उतर चुका हूं मैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है पूरी मार्केट, बट एक्चुअली हमें जाना है इस बिल्डिंग के ऊपर जहां रहता है मेरा कज़न। सो चलिए उससे मिलते हैं। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। मैंने बताया नहीं उसे कि मैं उसे मिलने आ रहा हूं, उनकी पूरी फैमिली को इनफैक्ट नहीं बताई। सो चलते हैं, उनका रिएक्शन कैप्चर करते हैं। हेलो हेलो, अबे शॉर्ट्स और टी शर्ट में बैठे वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए क्या? अच्छा हेलो हेलो हेलो, मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा रूम। अरे क्या हाल है भाई? हाँ जी सब बढ़िया। भी नहीं बस ऐसे ही है भैया, धप्पा करने आए हम। धप्पा करने आए मेरे को। तो गाइस ये है हमारा खान मार्केट वाला घर, विच इज एग्जैक्टली लाइक दिस। नीचे का मैं व्यू आपको दे चुका हूँ, ये भाई बाहर का व्यू। कल थोड़ा मार्केट का वीडियोस बनाएंगे हम, चैनल पे ट्यून रहिएगा। तो गाइस इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।